हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन के, यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 10 मार्च 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 7 मार्च को यह दिवस मनाया गया है। जन औषधि दिवस 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा मनाया जाता है और यह दिन जेनरिक दवाइयों के उपयोग और जन औषधि परियोजना के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और 4 जन औषधि दिवस का विषय जन औषधि जन उपयोगी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022-23 में कवच के तहत भारतीय रेलवे द्वारा कितने किलोमीटर नेटवर्क लाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2000 किलोमीटर नेटवर्क लाया जाएगा। गुल्लागुड़ा और चिटगिड्डा के रेलवे स्टेशनों के बीच कवच कार्य प्रणाली के परीक्षण की जांच केंद्रीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने की। और 2022-23 में सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के रूप में 2000 किलोमीटर नेटवर्क को कवच के तहत लाया जाएगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है? तो यह है श्री VK त्रिपाठी जी और हमारे केंद्रीय रेल और संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है श्री अश्विनी वैष्णव जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RIL ने कहां पर भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र ओपन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोला है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित बहुआयामी गंतव्य होगा। और केंद्र जो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 18.5 एकड़ में फैला है और इसकी परिकल्पना रिलायंस इंडस्ट्री के निदेशक और रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष नीता अंबानी ने की थी। और यह एक ऐतिहासिक व्यवसाय वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गंतव्य बनने के लिए तैयार है जो भारत के लोगों को विश्व स्तरीय मिल का पत्थर प्रदान करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलनेक्स शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9वां संस्करण यहाँ प्रारंभ हुआ है। भारत का 9वां संस्करण श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम सिलनेक्स श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास है, यह विशाखापट्टनम को 7 मार्च से 10 मार्च 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। और अभ्यास का उद्देश्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में 2 पड़ोसी देशों की नौसेना के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और आपसी समझ में सुधार करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाइब्रिड फॉर्म संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ प्रारंभ हुई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केन्या के नैरोबी में यह सभा प्रारंभ हुई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की मेजबानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की गई थी और यह संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों निगमों नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों को दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए नीतियों पर सहमत होने के लिए एक साथ जुड़ने का कार्य करता है। तो यह कहाँ पर हुआ? तो केन्या की राजधानी नैरोबी में यहाँ हुआ है अभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में
माइक्रोसॉफ्ट भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने जा रहा। टेक दिग्गज यानी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद तेलंगाना में भारत में अपना चौथा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है और हैदराबाद डेटा सेंटर भारत का सबसे बड़ा डेटा केंद्रों में से एक होगा और 2025 तक चालू हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के पास पहले से ही पुणे, मुंबई और चेन्नई में तीन भारतीय क्षेत्रों में एक डेटा सेंटर है और नया डेटा सेंटर निजी उद्यमों के साथ साथ सरकारी क्षेत्र दोनों से माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सेवाओं की बढ़ती मांग को जोड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट के CEO और अध्यक्ष है सत्य नडेला और इसका मुख्यालय है रेडमंड, वॉशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डोनेट अ पेंशन पहल शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूपेंद्र यादव जी ने यह प्रारंभ की है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दान अ पेंशन अभियान की शुरुआत अपने आवास से की और इसे अपने माली को दान कर दिया। नई पहल के तहत नागरिक अपने तत्काल सहायक कर्मचारियों जैसे घरेलू कामगारों, ड्राइवरों, सहायकों आदि के पेंशन फंड में प्रीमियम राशि दान करके योगदान कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में आयोजित किया है जो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है और यह शिखर सम्मेलन तकनीकी संचालित व्यवधान के प्रख्यात चेहरों और केंद्रीय मंत्री, नीति निर्माताओं और वैश्विक व्यापारिक नेताओं के साथ यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुए लोगों को एक साथ लाएगा और पिछले संस्करणों की मेजबानी दुबई और यूके में की गई थी और दुनिया भर की सरकारों और उद्योगों के अन्य नेताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जैसे सम्मानित वक्ताओं द्वारा संबोधित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में TDSAT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, DN पटेल को अभी TDSAT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। केंद्र सरकार ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरू भाई नारायण भाई पटेल को नियुक्त किया है। उन्हें 7 जून 2019 को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और अब उन्हें 12 मार्च 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले TDSAT के अध्यक्ष बनाया गया है। TDSAT की स्थापना की गई थी सन 2000 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलन वॉलब्रिज लैड जूनियर का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक ऑस्कर विजेता निर्माता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। यही थे ऑस्कर विजेता निर्माता एलन वॉलब्रिज जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। 20th Century फॉक्स के पूर्व कार्यकारी जिन्होंने स्टार वॉर्स और ब्रेव हार्ट को हरी झंडी दिखाई और एलन लैड जूनियर को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया और उन्हें प्यार से लाडी के नाम से भी जाना जाता था और उन्होंने 1995 में मेल गिब्सन द्वारा निर्देशित सर्वश्रेष्ठ चित्र ब्रेव हार्ट के लिए अकादमी पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार जीता और वह 1979 में स्थापित लैंड कंपनी के संस्थापकों में से एक थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।